और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुकर लेते हैं। छत्तीसगढ़ से की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ओलंपिक एसोसिएशन के सीएम साय अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, जहां पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहले ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेकिन अब विष्णुदेव साय को ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय ने जिम्मेदारी संभालने की सहमति भी इस पर दे दी है। भूपेश बघेल का कार्यकाल आज खत्म हुआ, जिसके बाद में अब विष्णुदेव साय को ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पहले ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लेकिन उनका कार्यकाल आज खत्म हुआ, जिसके बाद अब सीएम विष्णुदेव साय ने ये जिम्मेदारी संभाली है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी कुलभूषण, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएम साय को बनाया गया है, इसके पहले भूपेश बघेल थे, लेकिन कार्यकाल खत्म होने के बाद अब सीएम साय ने ये जिम्मेदारी संभाली। ये नियम रहा है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का कि मुख्यमंत्री जो होते हैं प्रदेश के, वही इसके अध्यक्ष होते आए हैं। तो इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो थे वो इसके अध्यक्ष पद पर थे, और कल 20 अगस्त को इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। और इसके बाद जैसे ही तुरंत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इसकी जिम्मेदारी के लिए बोला गया, उनसे पूछा गया, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी है। और उन्होंने कहा है कि मैं ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष के लिए तैयार हूँ, आने वाले समय में खेल जगत के लिए प्रदेश के छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के लिए, खेल जगत के लिए काफी नए आयाम जो है, काफी नई चीजें जो है वो मैं दूंगा। लेकिन आमतौर पर इसके साथ ही साथ जो इसके महासचिव पद के लिए है उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले जो है वो देवेंद्र यादव को महासचिव के पद पर बनाया गया, गुरुचरण होरा को हटाकर देवेंद्र यादव को महासचिव के लिए रखा था। लेकिन अब चूंकि सरकार चेंज हो गई है, तो क्या देवेंद्र यादव, क्योंकि अभी जेल में वो है, तो क्या उन्हें भी हटाया जाएगा, और आगे क्या नए महासचिव वहां पर दोबारा गुरुचरण होरा होंगे, या फिर भाजपा से किसी पार्टी किसी को बनाया जाएगा? ये एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे वाले समय में ओलंपिक एसोसिएशन को लेकर क्या फेरबदल यहाँ पे होंगे, ये देखेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में अब ओलंपिक एसोसिएशन में कितने बदलाव होंगे, बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।